सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम नए सत्र की इसमें पहला पार्ट जो है शुरू कर रहे हैं और कम्युनिकेटिव हिंदी मतलब अर्थात संप्रेषणात्मक हिंदी, यह नया पाठ्यक्रम जो है दूसरा साल है हमारा चालू हुआ है। तो इसमें अनुवाद जो है ये हमारा पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो अनुवाद के संबंध में अनुवाद का स्वरूप, ये जो एक यूनिट जो है हम लोग इसमें पहले यूनिट का अनुवाद का स्वरूप ले रहे हैं। इसमें अनुवाद के संबंध में हम देखते हैं कि व्युत्पत्ति को पहले शुरू करेंगे। तो अनुवाद का सीधा संबंध जो है वद धातु से है, इसका अर्थ है कहना। इसी धातु में जब अय प्रत्यय लगाया जाता है तो वाद शब्द बन जाता है और इसी वाद शब्द के साथ अनु उपसर्ग लग जाता है तो अनुवाद शब्द बन जाता है। तो अनु उपसर्ग बाद में या पीछे पीछे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे अनुवाद का मूल अर्थ किसी के कहने के बाद कहना अर्थात अर्थात पुनर्कथन है। तो इस प्रकार अनुवाद का अर्थ जो पुनर्कथन यह कहा गया। इसमें शब्दार्थ चिंतामणि कोश में जो है अनुवाद के संबंध में यह कहा गया है कि प्राप्तस्य पुनः कथन, इसका अर्थ संस्कृत में है। इसमें इसका अर्थ यह है कि पहले कहे गए अर्थ को पुनः कहना, प्राप्तस्य पुनः कथन, यह शब्दार्थ चिंतामणि कोश में बताया गया। इसके बाद में संस्कृत साहित्य में भी इसके बारे में बताया गया है। इसका अर्थ है कही या सुनी हुई बात को पुनः या दोबारा कहना या दोहराना, यानी कही हुई या सुनी हुई बात को दोहराना, इसको अनुवाद कहा जाता है। इस प्रकार अनुवाद की उत्पत्ति के संबंध में शब्दार्थ चिंतामणि से संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में भी अनुवाद के संबंध में बात जो है कही गई। हिंदी में जो है हम देखते हैं कि अनुवाद के संबंध में तो अनुवाद लेखकों की जो है यह जो है मौलिक साहित्य लेखन के साथ साथ संस्कृत से अनुवाद भी शुरू हुआ। यानी जैसे अनुवाद हिंदी का जो समय हम देखते हैं कि 1000 के आसपास शौचनी अनुपरिषद से हिंदी का शुरुआत हुई है। तो शुरुआत होते होते धीरे धीरे 1100 के आसपास जो लिखित साहित्य हिंदी का हमको मिलने लगता है। तो यहाँ पर भी बात आई है कि मौलिक साहित्य लेखन के साथ साथ संस्कृत से अनुवाद भी शुरू हुआ। यानी संस्कृत अनुवाद जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, संस्कृत भाषा से शुरू हुआ, संस्कृत में शुरू हुआ। और फिर यह अनुवाद लेखकों की रचनाओं में छाया या प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। तो अनुवाद की परंपरा गद्य के विकास के साथ ही जुड़ी हुई है। अनुवाद का प्रधान माध्यम गद्य ही है और 16वीं सदी से अनुवाद की परंपरा जो है चालू हुई है। इस प्रकार हम अनुवाद के संबंध में बात जो है कह सकते हैं। तो 1774 में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसंधान का तथा अनुवाद का कार्य आरंभ किया। यानी अनुवाद को आधुनिक युग में अगर हम लेते हैं तो एशियाटिक सोसाइटी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने जो है अनुवाद का कार्य आरंभ किया और तब से लेकर जो है भारतेंदु द्विवेदी युग और अभी आधुनिक युग में जो है यह साहित्य अनुवाद साहित्य का कार्य जो निरंतर चल रहा है। आज अनुवाद कार्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। यंत्रों द्वारा भी अनुवाद का कार्य किया जा रहा है, जैसे मोबाइल आता है, कंप्यूटर आता है, अन्य साहित्य के द्वारा यंत्रों के द्वारा भी मोबाइल यानी अनुवाद का कार्य हो रहा है। तो अनुवाद की आवश्यकता और भूमिका आज जो है अहम और महत्वपूर्ण है। अनुवाद के स्वरूप के संबंध में हम लेते हैं कि अनुवाद का क्षेत्र विस्तृत है। अनुवाद के स्वरूप को तय करना या निश्चित करना यह बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अनुवाद का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। सभी क्षेत्रों में आज अनुवाद का उपयोग किया जा रहा है और एक भाषा में कही हुई बात को बात के कथन शैली और कथ्य इन दोनों में जो है दूसरी भाषा के शत प्रतिशत इसमें वाकई करना जो है संभव नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां जो उसमें रहती है तो भी फिर भी इसमें अनुवाद करते समय यह मानकर चलना पड़ता है कि कथन और कथ्य शिल्पी में किंचित सी सही पर थोड़ा बहुत अंतर रहता है। इसलिए सही से ही उसका अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसे जो थोड़ा सा जो असमंजस की भावना जो इसमें जो है यानी किंचित अंतर जो है इसमें जो है कथ्य और शिल्प में जो है दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो है उसका शब्द का स्वरूप जो है हमें यहाँ पर बताने का प्रयास।
दिया गया अर्थ या तथ्य अध्ययन उतना सरल नहीं होता जितना हमें जो है दिखाई देता है, क्योंकि अगुआ की संकल्पना के साथ ही भाषाएं भी अन्य भाषाएं भी जो है जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति होती है, हर भाषा की अपनी प्रकृति मतलब स्वभाव होता है और प्रकृति होती है यानी उसकी एक ये होता है और प्रवृत्ति होती है उसका स्वभाव भी होता है। तो इस प्रकार अनुवाद के संबंध में हम लेते हैं कि हर भाषा की अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक भाषा की अच्छी ध्वन्यात्मकता, रूपात्मकता, पदात्मकता, शब्दात्मकता, भावात्मकता आदि यह उसकी जो है प्रवृत्तियां है। तो भाषा के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़ा हुआ रहता है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, कई कई जो है धार्मिक भी आता है, राजनीतिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, क्षेत्र के अनुरूप भी आता है, ऐसा बहुत सारा उसका जो है अंतर जो है कर सकते हैं। तो इनसे स्रोत भाषा में विद्यमान सामग्री का लक्ष्य भाषा में अंतरित होना लगभग असंभव दिखाई देता है, बहुत सारा अंतर होने के कारण। जैसे भारत में देखा जाए तो 6,000 के आसपास जो है भाषाएं हैं, तो ऐसी इसमें उन भाषा को अनुवाद के संबंध में करना लगभग असंभव कार्य जो दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसका कार्य जो है भाषा के अनुवाद का कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारी भाषाओं का अनुवाद जो है करने का कार्य जो है किया जा रहा है। अनुवाद का स्वरूप निर्धारण करने के लिए अर्थ और कथ्य और शैली संप्रेषण आदि में समतुल्यता का होना आवश्यक है, और दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि समतुल्यता अनुवाद का स्वरूप निर्धारित करती है जो अर्थ शैली आदि में आवश्यक है। इसके संबंध में भाषाविद जो थे नायडा जो थे इन्होंने जो अपने विचार रखे हैं उसमें उन्होंने बताया कि शाब्दिक अनुवाद, भाव अनुवाद, पर्याय के आधार पर अनुवाद, साथ ही अनुवाद के कुछ अन्य रूप भी जो है उन्होंने जो है अपने किताबों में या अपने विचार साहित्य के द्वारा बताने का बताया। इसमें हम देखते देखते सार अनुवाद, टीका अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, तो इसमें हम एक थोड़ा संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे जो अनुवाद के स्वरूप को स्पष्ट करता है। तो शाब्दिक अनुवाद हम लेते हैं, साथ लेते हैं कि इसमें शब्द के स्थान पर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नई शब्द के अनुरूप शब्द से अनुवाद किया जाता है, स्रोत भाषा के व्याकरणिक रूप के स्थान पर लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक रूप को जो है रख दिया जाता है, इसी को जो है शाब्दिक अनुवाद जो है कहा जा सकता है। यानी स्रोत भाषा जिसमें हमको करना है और लक्ष्य भाषा जो स्रोत भाषा जिसका जिसका अनुवाद करना है वो हम और जिसमें करना है वो लाक्षणिक भाषा, इसमें जो व्याकरणिक रूप जो रहता है लक्ष्य व्याकरणिक रूप जो रहता है इसमें जो है हम रख देते हैं, तो ये जो है होता है। तो पारिभाषिक शब्दावली के विषय में शाब्दिक अनुवाद का अपना महत्व होता है। शाब्दिक अनुवाद की अनिवार्य शर्त जो होते हैं वह क्या है कि उसका उचित शब्द भंडार और उसका निर्माण शब्द भंडार का संग्रह है, यह उसके लिए जो बहुत ही शब्द यानी शाब्दिक अनुवाद के लिए यह बात जो है बहुत ही आवश्यक है। अनुवाद शाब्दिक अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा में विपुल शब्द संग्रह चाहिए, शब्द का भंडार चाहिए और शब्द का निर्माण भी होते रहना चाहिए, यह जरूरी है। तो स्रोत भाषा के ही शब्दों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ में स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद में भावानुवाद के बारे में पता है, तो मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द का प्रयोग करता है, शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण भाव होते हैं और स्रोत भाषा उसी शब्द के लिए और कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जा सकता है व्यक्तिगत रुचि से शब्दों के विश्लेषण में न उलझते हुए कई बार मूल भाषा के शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो कई बार लक्ष्य भाषा में किसी शब्द के विभिन्न अनुवाद हो सकते हैं और भाव के साथ स्वाभाविक रूप में क्रिया भी बदलेगी, इसलिए भावानुवाद जो है यह जो है करते समय जो है अनुवादक अपनी मौलिकता का प्रयोग करता है, लेकिन मौलिक की अति नहीं होनी चाहिए, इसमें स्वच्छंदता और प्रभावित करने का प्रत्यक्ष या प्रयोग जो है नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर हो जाता है तो हम शब्दानुवाद को सही तरह से किया जा सकता है। तो अनुवाद को मूल रूप से ही मूल रूप से कभी हटना नहीं चाहिए, अनुवादक को मूल रूप से जो है कभी हटना नहीं चाहिए, मूल से कभी हटना नहीं चाहिए, यानी मूल जो जो भाषा में जो भाषा है
जिसका हमें अनुवाद करना है उससे कभी हमको हटना नहीं चाहिए, शब्दों को नहीं बल्कि भाव को लेकर अनुवाद का अनुवाद करना चाहिए, तब ये जो भावानुवाद होता है। तो पारी तीसरा अनुवाद मैंने बताया है कि पर्याय के अनुसार अनुवाद, आधार का अनुवाद, पर्याय के अनुसार आधार का अनुवाद होता है। इसके बाद में लेखक ने सार अनुवाद भी बताया है, टीका अनुवाद भी बताया है, और ये सब बातों को हम आगे चल के अन्य यूनिट के इसमें जो है स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला यूनिट था अनुवाद का स्वरूप, ये यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।